वंश इलेवन या दोन संघादरम्यान आपण पाहणार आहोत आणि या सामन्यासाठी खंडू पाटील और सूर्यकांत बारसी, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप इस मुकाबले में पंच की भूमिका अदा करें। खंडू पाटील और सूर्यकांत बारसी, आप दोनों से निवेदन है कि आपको इस मुकाबले के लिए अंपायर की भूमिका अदा करनी है। तो सूर्यकांत का साथ निभाएंगे विष्णु पाटील इस मुकाबले के लिए अंपायर विष्णु पाटील और सूर्यकांत बारसी। रमेश जोशी, आपको तैयार होना है इस मुकाबले के लिए। इस मैच के लिए मेन अंपायर खंडू पाटील और स्क्वायर लेग अंपायर अरुण चोरगे होंगे। तो दोनों टीम से मैं निवेदन करता हूँ कि बाउंड्री या छक्का दोनों टीम्स के खिलाड़ी कोई भी मारते हैं तो हमारे गांव के उद्योगपति माननीय श्री सुरेश सावलाराम पाटील साहब की जानिब से 200 रुपये का नगद इनाम, बाउंड्री हो या सिक्सर, हर शॉट के लिए 200 रुपये का नगद इनाम। तो पहली गेंद मनोर के ने राइट अमूर्त विकेट, संतोष जोशी ड्राइव केला होता है वेलेस चेंडूला, शॉट थर्डमॅनचे दिशेने, चांगले क्षेत्ररक्षण आपण बघितलं मयूर याचं, एका दावीवरती समाधान मानावं लागेल इथे संतोष जोशी याला, तेवढी चांगली फेकी सुद्धा केली होती। एका धाव्याने डावाचा श्रीगणेश, या एका धाव्याने खातं खोलतोय संतोष जोशी। दरम्यान मनोहर केने याचा पुढचा बॉल, यावेळेस मोठा प्रहार, बॉल हवेत आहे, बॉल खाली भावे जोशी, कुठल्या प्रकारची चूक नाही, चांगला झेल इथे समाप्त करत असताना भावे जोशी यांनी पहिला गडी बाद होतोय वंश इलेवन आमले संघाचा। सत्यम दलवी।
धन्यवाद धन्यवाद विजय। फटका तर खूप चांगला होता मिड विकेटला, परंतु सीमा रेषा क्लिअर करू शकला नाही सत्यम दलवी। थोडंसं एलिव्हेशन कमी बघितलं आपण या फटक्यामागे आणि कॉटन बॉलचा शिकार झाला सत्यम दलवी। नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर कुमार केने तिसऱ्या स्थानावर मार्गस्थ होत असताना सुरुवात तर खंडूने खूपच छान केली आहे या षटकामध्ये। सॉरी मनोहर केनेने पहिल्याच दुसऱ्याच बॉलवरती महत्त्वपूर्ण गडी बाद केला आहे। दरम्यान पुढचा बॉल मनोहर याचा कुमारसाठी, पूर्ण लांबीचा बॉल आवेद केल्यात पाहूया। क्षेत्ररक्षक आहे परंतु त्याच्या आवाकाच्या बाहेर बॉल जातोय सीमारेषेच्या बाहेर। 7 धावांसाठी षटकार। धन्यवाद विजय। अगदी पायांच्या समोर टाकलेला हा बॉल बॅटच्या मधोमध घेऊन खेळला होता कुमार केने। लॉंग ऑन सीमारेषेच्या वर्तून मारलेला उत्तुंग षटकार। 6 धावफलक धावफलकावर आपण पाहतोय 7 आकड्यावर। दरम्यान अजून एक मोठा फटका, परंतु पाहूया पंचांचा काय सिग्नल येतोय। 6 धावांचा सिग्नल येतोय पंचांचा। धन्यवाद धन्यवाद डीजे धन्यवाद डीजे। बिल्कुल दूसरी गेंद पर सत्यम डगआउट लौट चुके थे, मगर नए बल्लेबाज अरविंद आते ही 2 गेंदों में 2 सिक्सर ठोक डाले, मानो पिछले मैच का रिप्ले कर रहे हो। सेट होके आए थे पेविलियन से ही। अगली गेंद मनोहर केने की, इस मरतबा गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे, देखना है क्या कुछ हुआ है वहां पर, और बल्लेबाज आउट। बढ़िया कोशिश वहां पर महेंद्र पाटिल की, अच्छा कैच समाप्त करते हुए कुमार केने का, बढ़िया कैच। धन्यवाद डीजे। अच्छा पलटवार वहां पर गेंदबाज मनोहर केने द्वारा। 2 छक्के खाने के बाद कुमार को भेज दिया पैविलियन। अच्छी कैच वहां पर, महेंद्र पाटिल फील्डर थे, अपने आप को झोंक दिया था पूरी तरीके से। नक्कीच लागोपाठच्या 2 चेंडूंवर 2 उत्तुंग षटकार कुमार केने याच्या बॅटमधून आपण बघितले। त्याच्यानंतर पलटवार केला मनोहर केने याने, हवेत खेळण्यास भाग पाडला आणि शॉर्ट स्क्वेअर लेगला असलेल्या क्षेत्ररक्षकाच्या हातात हा झेल देण्यास भाग पाडलं कुमार केनेला। दरम्यान पुढचा बॉल मनोहर केने याचा, या वेळेला पाहूया दिशाहीन गोलंदाजी। लेग स्टंप सोडून जाणारा बॉल, पंचांकडनं वाईटचा इशारा येतोय। अतिरिक्त धावफलकावर ॲड केली जाईल। धावफलक 1 धावेने 14 या आकड्यावर आपण पाहतोय। थोडासा मागणा ठरला इथे अपील पाहूया, परंतु पंच यांचा सहमत नाही, फेटाळून लावले अपील। डिक्लेअरच्या स्वरूपात 1 धाव इथे येत असताना आणि 1 धावेने धावपलक आपण पाहतोय 15 या आकड्यावर। थोडंसं लांबलचक आणि महागडं षटक आपण बघितलं मनोहर केने याचं। 15 धावा या आपल्या पहिल्या षटकामध्ये खर्च केल्या मनोहर केने यांनी आणि 2 महत्त्वपूर्ण गडीसुद्धा बाद केलेत। तर दुसऱ्या षटकासाठी भावेश याच्या हातामध्ये बॉल सोपवलाय कर्णधाराने।
सभी दर्शकों के लिए एक खुशखबरी, बाउंड्री लाइन के बाहर अगर कोई दर्शक कैच पकड़ता है तो मिस्टर संजय बारशी की ओर से 200 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। तसेच प्रत्येक खेलाड़ूसाठी चौकार षटकार मारल्यास 200 रुपयाचं रोख पारितोषिक उद्योगपती सुरेश पाटील यांच्याकडनं देण्यात येईल। भावेश पहिलाच बॉल, संतोष जोशीसाठी पूर्ण लांबीचा बॉल, थर्डमॅनच्या दिशेने बॉल चालला डिक्लेअर झोनमध्ये। एक धाव इथनं कंप्लीट होत असताना एका धावेने संघाचं धावफलक पुढे जात असताना आपण पाहतोय 16 या आकड्यावर। आत्तापर्यंत भावेशांनी चांगली कामगिरी केली आहे या लीगमध्ये, गोलंदाजी असो व फलंदाजी चांगले योगदान दिले आपल्या संघाला। भावेश दरम्यान पुढचा बॉल देवीदाससाठी, यावेळेला हुक करण्याचा प्रयत्न, चेडू बॅटची कडा घेऊन सरळ एस्टिकच्या मागे जातोय। डिक्लेअरच्या स्वरूपात एक धाव इथनं कंप्लीट होते, एक धाव धावेने संघाची धावसंख्या जाते ती 17 या आकड्यावर। चांगली सुरुवात म्हणता येईल गोलंदाज भविष्याची, मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवलंय फलंदाजाला। भावेश टू संतोष जोशी असा हा सामना, तेज करार बॉल, संतोष जोशी याला काही समजला नाही, बीट होतोय तिथे बॅट्समॅन, डॉट बॉल येत असताना पहिला डॉट बॉल आपण बघितला या डावातील। दरम्यान दुसरं षटक मार्गस्थ, भावेश आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून चांगलं योगदान देत असताना पाहतोय आपण आपल्या संघासाठी। दरम्यान पुढचा बॉल, यावेळेस जमिनीच्या लगत बॉल ऑन साईडला येतोय, उचलून फेक होईपर्यंत एक सिंगल रन्स इथून कंप्लीट केली जाते, सिंगलने धावफलक 18 या आकड्यावर पोचतंय। तर दरम्यान व्यासपीठावर आगमन होत आहे मान्य श्री उद्योगपती सुरेश पाटील साहेब आणि त्यांच्या समवेत रवींद्र जोशी साहेब। आपलं दोन्ही मान्यवरांचं या स्पर्धेमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत। बाबू यावेळेला कट केला आहे बॉलला, थर्डमॅनच्या दिशेने बॉल डिक्लेअर झोनमध्ये जातोय, सिंगल धावीतनं कम्प्लीट होईल। सिंगलने स्कोअर कार्ड थोडंसं हलताना आपण बघतोय 29 या आकड्यावर। अच्छी नपीतुली गेंदबाजी हम देख रहे हैं गेंदबाज भावेश जोशी द्वारा, लंबा बॉलिंग रनअप राइटम ओवर द विकेट से सामना करेंगे जोशी सर। और ये गेंद को खेल दिया है हवा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और पिच गेंद थी, उसे देखा परखा और भेज दिया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रंट फुट को आगे किया था संतोष जोशी ने और इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा में खेला था 6 रनों के लिए। दो ओवर की समाप्ति, और दो ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब तीसरी ओवर के लिए मोर्चे पे इस वक्त लगाया जा रहा है उमेश जोशी। ओपन करने आए थे संतोष जोशी सर और अभी भी डटे हुए हैं। 9 रनों पर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुमार आए थे वन डाउन करने, 2 सिक्सर लगाने के बाद आउट होकर पेविलियन लौट चुके हैं, मगर अच्छी साझेदारी देखने को मिल रही है देवीदास चोरगे और जोशी सर के बीच में। दूसरे ओवर की बात करें तो भावेश जोशी ने 5 गेंदें बहुत ही नब्बी तुली गेंदबाजी की थी, लेकिन अंतिम गेंद पर चक्का जड़ा। पहली गेंद नए ओवर की स्लाइस किया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन्स। धन्यवाद धन्यवाद डीजे, तो स्कोर आप तेजी से उछलता हुआ पहुंचा 29 पर।
उमेश अगली गेंद सीधे बल्ले से खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद डीप में जाती हुई अच्छी फील्डिंग वहां पर लेकिन तब तक दो रन आसानी के साथ पूरे करते हुए दो रनों के साथ स्कोर अब जाकर पहुंचा है 31 पर। अच्छी शुरुआत तीसरी ओवर की ओवर में बल्लेबाजों ने की है पहली गेंद पर चौका जड़ा उसके बाद दूसरे पर दो रन। उमेश फिर से एक बार लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट देवीदास के लिए इस बार हवा में गेंद खिलाड़ी मयूर गेंद के नीचे लेकिन कैच को नहीं लपक पाए सुनील गेंद के नीचे थे कैच को नहीं लपक पाए सिंगल रन यहाँ से कंप्लीट होता हुआ स्कोर सिंगल से आगे बढ़ता हुआ पहुँचा 32 रन लॉस ऑफ टू विकेट्स। कहीं ना कहीं महंगे साबित होते हुए अपनी गेंदबाजी में उमेश जोशी 3 गेंदों में अभी तक 7 रन खर्च कर चुके हैं। देखना है आने वाली 3 गेंदों में क्या कुछ करते हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से ओहो बहुत ही बेहतरीन गेंद खतरा हो सकता है मगर अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में दोनों भी बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिल रही है। एक रन चुराया और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 33 रनों पर। दो महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए थे पहली ओवर ने मनोहर केने ने मगर उसके बाद अच्छी साझेदारी और ये गेंद हवा में खेला है फील्डर गेंद के नीचे ओहो क्या कैच पकड़ा है मनोहर केने ने तीसरा झटका। धन्यवाद धन्यवाद डीजे। फुल टॉस गेंद थी ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाए मिस टाइम कर बैठे थे हालांकि शॉट जरूर अच्छा था लेकिन सीमा रेखा क्लियर नहीं कर पाए लॉन्ग ऑन पर देवीदास चोरगे और कॉटन बॉल का शिकार होकर डगआउट में लौटते हुए नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर सागर। अच्छा पलटवार अब देखने को मिल रहा है उमेश द्वारा नए बल्लेबाज सागर आए हैं जो कि स्ट्राइक वाले छोर पर। इसी बीच पटकी हुई गेंद खेल दिया है कोई फील्डर मौजूद नहीं है जब तक कि दूर से फील्डर आए एक रन पूरा किया दूसरे का प्रयास और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दो रन पूरे किए। इन दो रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 35 रनों पर। अभी भी तीसरी ओवर की शायद सॉरी तीन ओवर खत्म हो चुके हैं और तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 35 रन। अभी भी दो ओवर का खेल बाकी है देखना है कि इसके हाथ में गेंद थमाते हैं कप्तान सुरेन। भावेश जोशी को कंटिन्यू रखा गया है अपने स्पेल में जोशी सर ओपन करने आए थे और अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए डटे हुए हैं अपने क्रीज पर। भावेश जोशी अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार लंबा बॉलिंग रनअप भावेश का राइट आर्म ओवर द विकेट से मारा करेंगे जोशी सर के लिए। पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हैं बल्लेबाज सागर बारशी जिन्होंने एक गेंद का सामना किया है दो रनों पर खेल रहे हैं जो कि नॉन स्ट्राइक वाले छोर पर है। भावेश की पहली गेंद ओहो बहुत ही बेहतरीन गेंद रन लेना चाहते हैं खतरा हो सकता है मगर सही सलामत पहुंचे वहां पर एक रन चुराया दोनों भी बल्लेबाजों ने। सागर बारशी इनसे काफी अपेक्षाएं हैं टीम से। भावेश मुड़ते हुए
सागर के लिए। फुल लेन डिलीवरी, गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे मगर नहीं लपक पाएंगे और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। गलत अनुमान वहां पर उमेश जैसे खिलाड़ी से। बिल्कुल बिल्कुल रोशन, कैच के ऊपर जाना नहीं चाहिए था, पहले बाउंस पर गेंद का इंतजार करना चाहिए था, शायद 2 रन जा सकते थे लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकती थी। भावेश राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद इस बार ऑन साइड में मोड़ने की कोशिश लेकिन गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग में जाती हुई डिक्लेयर जोन में, केवल सिंगल रन यहाँ पर मिलता हुआ, सिंगल से स्कोर अब जाकर पहुंचा है 41 पर। शुरुआत काफ़ी अच्छी रही है टीम वंश 11 की। चौथे ओवर का खेल जारी है, अभी भी कुछ गेंदें शेष बची है इस ओवर की। भावेश अगली गेंद लेकर तेज कर्रार गेंद पुल पे लिया, ऑन साइड में मोड़ दिया गेंद को, तेजी से गेंद आती हुई बैकअप के लिए भी खिलाड़ी आए थे लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और 2 रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 43 पर। 43 स्कोर हुआ है जबकि चौथे ओवर का खेल जारी है, अभी भी 8 गेंदों का खेल शेष बचा है और 8 गेंदों में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने का प्रयास यहाँ पर बल्लेबाजों का रहेगा। इस बार अच्छी गेंद, कारपेट के सहारे गेंद को मोड़ दिया, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को उठाते तब तक 1 रन पूरा करते हुए संतोष जोशी, 1 से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुँचा 44 पर। विठू माउली के कप्तान और अक्षय स्पोर्ट्स के कप्तान, आपको टॉस के लिए आना है। गेंद के नीचे खिलाड़ी गए थे लेकिन कैच को अंजाम नहीं दे पाए, वहां पर पहले बाउंस पर गेंद को उठाया, जब तक कि थ्रो पहुंचता तब तक 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए 2 रनों से स्कोर अब जा पहुंचा 46 पर। ग्यारह रन इस ओवर में खर्च किए भावेश जोशी ने, हालांकि सफलता कोई भी प्राप्त नहीं की है, थोड़े से महंगे साबित हुए इस मुकाबले में। अब अंतिम ओवर का खेल बचा है और अंतिम ओवर के लिए मोर्चे पर देखना है गेंदबाजी के लिए प्रताप स्पोर्ट के कप्तान ना सुरेंद्र दलवी किसको लगाते हैं। हर्ष उत्साह का माहौल इस बीच हमने प्रीमियर लीग 2023 में करता क्या ना मरता क्या ना करता सुशांत के हाथों में गेंद सौंपी है कप्तान सुरेंद्र दलवी ने। यही सुशांत है जिन्होंने पिछली मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी।
राइट आर्म राउंड द विकेट से मारा करेंगे जोशी सर के लिए सुशांत मुड़ते हुए। पहली गेंद पटकी हुई गेंद, ओहो सही अनुमान नहीं लगा पाए वहां पर जोशी सर। एक बार फिर से प्रयास करेंगे सुशांत, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद और ये लेग स्टंप छोड़कर जाती हुई वाइड प्लस वन। इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 48 रनों पर। आखिरी पांच गेंदे शेष है इस पारी की, देखना इन पांच गेंदों में क्या कुछ कर पाते हैं बल्लेबाज। प्रताप स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो अच्छी बैटिंग लाइन है उनके पास, लगभग 6-7 नंबर पर बल्लेबाजी है उनकी। पटकी हुई गेंद, उसे पुल कर दिया है मगर फील्डर मौजूद, आसान सा कैच। विशाल बारसी जा कहीं भी हो आप, स्कोर हुआ इस वक्त 48 रन जबकि आखिरी ओवर की कुछ गेंदें बाकी है। नए बल्लेबाज यश बारसी को आज मौका दिया गया है, देखना है क्या कुछ कर पाते हैं अपने टीम के लिए। लगातार पटकी हुई गेंदबाजी देखने को मिल रही है। दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्ररक्षण हम देख रहे हैं आखिरी ओवर के लिए। नए बल्लेबाज यश आए हैं पहली गेंद खेलते हुए आमने प्रीमियर लीग 2023 की। सुशांत की गेंद पटकी हुई गेंद, उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा पर, फील्डर वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, थोड़ा सा फंबल और इसी बीच बल्लेबाजों ने दो रन पूरे कर लिए है। तीसरे का प्रयास मगर रोका वहां पर इन दो रनों के साथ। स्कोर हुआ है 50 रन। बड़े हिट की मांग होती हुई यश बारसी की, देखना है क्या करता है यश। सुशांत की गेंद, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई सिर्फ एक रन के लिए। कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में खेल धीमा होता हुआ। जिसका कारण है अच्छी गेंदबाजी। इसी बीच अच्छी गेंद और बल्लेबाज आउट। अनोखा अंदाज सारे लय गजकन आज, सारे लय गजकन आज। आज अपने गावान एपीएल जशक जोरान लय गज, आज अपने गावान एपीएल जशक जोरान लय गज। हेलो, इसी बीच आगमन हुआ है राजेश टिकड़ीकर साहब का, आपका आमने प्रीमियर लीग 2023 में हार्दिक हार्दिक स्वागत। देखना है पीयूष आए नए बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक वाली छोर पर है। सुशांत की गेंद पीयूष के लिए, ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद लेकिन विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए। नतीजा एक रन दौड़कर पूरा कर लिया है।
ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 52 रन और 53 रनों की चुनौती रखी गई है प्रताप स्पोर्ट्स के सामने। आइए दोस्तों दूसरे सेमीफाइनल का टॉस करने जा रहे हैं दोनों भी टीमों के कप्तान, आपको टॉस के लिए आना है और मैं गुजारिश करूंगा सुरेश पाटिल साहब को कि आपके हस्ते हम टॉस करने जा रहे हैं, आपको टॉस बॉक्स में आना है। हेलो हेलो हेलो, दोनों भी टीमों के कप्तान आपको टॉस के लिए आना है। यस, आइए दोस्तों अब सेकंड सेमीफाइनल की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां पर दो टीमें इस वक्त खेलने वाली है अक्षय स्पोर्ट्स बनाम विठू मावली के बीच में, मंगेश जोशी फैम टीम बनाम निखिल पाटिल फैम टीम के बीच में दूसरा सेमीफाइनल। दोनों टीमों के कैप्टन और आमने गांव के मशहूर उद्योगपति सम्मानीय सुरेश सेठ पाटिल साहब से निवेदन, आपको टॉस के लिए टॉस बॉक्स में आना है। वो पानी के लिए पीने का पानी वहां पर खत्म हो चुका है, जिन्होंने स्पॉन्सर किया है हम उनसे गुजारिश करते हैं कि कृपया करके उपलब्ध करें। साथ ही साथ रवि जोशी आमने गांव के मशहूर उद्योगपति, आपको भी टॉस बॉक्स में आना है। रवि जोशी टॉस बॉक्स में आना है। रवि हमारे दोनों भी मान्यवर हमसे जुड़ते हुए टॉस के लिए, और टॉस को जीता इस वक्त ध्रुवबाल पाटिल विठू मावली के कैप्टन ने। मैं मान्यवर से निवेदन करता हूँ आपके शुभातों से टॉस विनिंग कैप्टन के लिए एनर्जी ड्रिंक के जिन्होंने स्पॉन्सर किए उन्हीं को इस वक्त दे रहे हमारे दोनों भी मान्यवर। आपसे निवेदन, आपको VIP राइज पर जाना और मंच की शोभा बढ़ानी है। अब तक अपने जितने भी मैचेस के लिए पूरे लीग आउट के मैच थे, लीग और अब लीग के बाहर आप नॉकआउट में आ चुके, सेमीफाइनल नंबर दो टॉस जीता है ध्रुवबाल पाटिल, आप क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग। सेमीफाइनल का मुकाबला है, गेंदबाजी का फैसला आपने किया है, पांच ओवर में अक्षय स्पोर्ट्स को कितने रन तक रोकने की कोशिश रहेंगी आपकी गेंदबाजों की? 40-45। ऑल द बेस्ट ध्रुवबाल, मेरे साथ अरुण है, आपको भी ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, विठू मावली कैप्टन ध्रुवबाल पाटिल वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। स्क्वेयर लेग अंपायर के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा, उमेश सर अगर आप अवेलेबल है तो आप कृपया करके ग्राउंड पर जाए। देखिए फाइनल में प्रवेश करने के लिए प्रताप स्पोर्ट्स के सामने 53 रनों की चुनौती रखी है। खेल की शुरुआत संतोष जोशी सर के साथ राउंड डी विकेट मनोहर के लिए, पहली गेंद खेल दिया है खाली क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद है डीप में, सत्यम दलवी एक रन पूरा करते हुए। हेलो हेलो, सिंगल के साथ खाता खुलता है प्रताप स्पोर्ट्स और मनोहर केने का। मनोहर केने जिन्होंने पहले दिन में अर्धशतक लगाकर अपने नाम का बोलबाला किया था, देखते हैं आज इस सेमीफाइनल में क्या कुछ कर पाते हैं। जोशी सर की अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, गति में परिवर्तन किया था, समझ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज, नतीजा डॉट गेंद।
पहले ओवर का खेल चल रहा है। 53 रनों की बड़ी चुनौती रखी गई है प्रताप स्पोर्ट्स के सामने फाइनल में प्रवेश करने के लिए। यस निश्चित रूप से पंच कर दिया, मिस फील्ड, दूर से खिलाड़ी जा रहे हैं अब, लेकिन गेंद जा रही है मैदान के बाहर। लोखंडे सर का 4 रन का इशारा था अब। पांच पर उछलता हुआ स्कोर इस चौके की मदद के साथ। तुरंत पलटवार किया वहां पर बल्लेबाज मुरलीधर पाटिल ने, देखा परखा, हालांकि एक रन भी नहीं बन सकता था वहां पर, मिस फील्ड के कारण 4 रन मिले प्रताप स्पोर्ट्स को। भरत दलवी थे। यस आपने सही कहा कि जहां पर एक रन बहुत मुश्किल से बन सकता था जहां पर 4 रन बनते हुए। स्विंग एंड मिस, विकेट पर कहीं ना कहीं बाउंस नहीं है उस जगह पर जहां पर गेंदे पड़ने के बाद नीचे बैठ जाती है। बिल्कुल पड़ने के बाद नीचे रही थी, नतीजा समझ नहीं पाए वहां पर, सही अनुमान नहीं लगा पाए बल्लेबाज गेंद का। एक तेरी तो एक मेरी, ऐसा क्रिकेट चलता हुआ मैदान के ऊपर। डॉट गेंद के बाद चौका और उसके बाद फिर से डॉट गेंद, राउंड विकेट। ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद। देखिए रोशन, उस अगर बाउंड्री को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की है जोशी सर ने। जी हाँ, 5 गेंदे हो चुकी है इस ओवर में और 5 रन बने हैं जिसमें एक चौका शामिल था। अब तक दबाव इस वक्त बढ़ाया गेंदबाज संतोष जोशी सर ने प्रताप स्पोर्ट्स के ओपनर बैट्समैन के ऊपर। गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई विकेट कीपर के पास। एक ओवर की समाप्ति के बाद केवल 5 रन, मैंडेटरी पावर प्ले पहला खत्म होता हुआ, जहां पर 5 रन केवल बने। अब दूसरे पावर प्ले में जिस तरह से दो ओवर नंबर 2, देखना अब किस गेंदबाज को दिया जाता है। पांच बिना किसी नुकसान पर दूसरे ओवर के लिए गेंदबाज मंथन को बुलाया है, जिन्होंने कल अच्छी गेंदबाजी की थी दूसरे मैच में। हालांकि पहले मैच में वो शामिल नहीं थे, लेकिन दूसरे मैच में उनको गेंदबाजी दी और कमाल की गेंदबाजी की थी। सामना करते हुए अमनी प्रीमियर लीग का अर्धशतक लगाने वाले बैट्समैन, चौकों की हैट्रिक करने वाले और सिक्सर की हैट्रिक करने वाले मनोहर केने। मंथन लंबा बॉलिंग रनअप राइट आर्म ओवर द विकेट से मारा करेंगे बल्लेबाज मनोहर के लिए। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, कारपेट के सहारे खेल दिया है, अच्छी फील्डिंग वहां पर, मगर एक रन नहीं रोक पाएंगे। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में देखने को मिल रही है दोनों भी बल्लेबाजों के बीच। यस देखिए बल्ले की काफी गेंद अंदर लगी थी और यही कारण था गेंद सर्कल के अंदर उठाते हुए शॉर्ट स्कोर लेके खिलाड़ी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6। सामना करते हुए बैट्समैन अब मुरली, मंथन ओवर द विकेट, खोद के निकाला है लेकिन वाइड ऑफ मिड ऑन पर गेंद को उठाते हुए जोशी सर एक रन पूरा करते हुए बैट्समैन मुरली। देखिए सिंगल से अब स्कोर आगे सिर्फ सरक रहा है, बड़े शॉट्स की कहीं ना कहीं जरूरत अब पड़ रही है प्रताप स्पोर्ट्स के टीम के लिए। जी हाँ, लेकिन अब तक बल्लेबाजों को मानो बांध लिया है गेंदबाजों ने, देखना है अगली गेंद। ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल ब्लॉक में रखा था गेंद को, लगातार ब्लॉक में गेंदबाजी हो रही है, अच्छी गेंदबाजी मंथन की। चैनल में गेंदबाजी, बैंग ऑन टारगेट गेंदबाजी हो रही है अब। देखिए जो प्रताप स्पोर्ट्स इस पूरे एपीएल में 3 मैचेस जीती है और कहीं ना कहीं अब सेमीफाइनल में इस वक्त संघर्ष करती हुई। मंथन इस वक्त खतरनाक और घातक गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर दी विकेट मनोहर के लिए, दूर वाली छोर से फिर से एलिवेशन नहीं बना, गेंद जा रही है शॉर्ट स्क्वायर लेग के अंपायर के बगल से, खिलाड़ी ने जाकर गेंद को उठाया एक रन पूरा करते हुए। रोशन अगर स्कोर को देखा जाए तो केवल 8 बने, दूसरे ओवर का खेल इस वक्त जारी है और पावर प्ले इस वक्त चलता हुआ, लेकिन पुअर प्ले चलता हुआ प्रताप स्पोर्ट्स के लिए। बिल्कुल पुअर प्ले साबित होता हुआ ये पावर प्ले, क्योंकि पहली ओवर में भी खासा कुछ कर नहीं पाए बल्लेबाज और दूसरी ओवर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। इस मरतबा हवा में खिलिया है, फील्डर मौजूद है
ओहो कैच को छोड़ दिया है, मौका बना था वहां पर लेकिन उसको बुना नहीं पाए। आसान सा कैच छूटा हुआ, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जहां पर शॉट्स को खिलाता मुरली ने, हवा में सिर्फ खिलाता और लॉन्ग ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए थे। इस बीच एक रन पूरा करते हुए स्कोर अभी भी 9 पर जा चुका है जबकि लक्ष्य 53 रनों का है। दोस्तों आप देख रहे पहला सेमीफाइनल सुपर से ऊपर लीग आमने प्रीमियर लीग का। बोल्ड बड़ी विकेट हासिल करते हुए स्टंप के फर्नीचर को डिस्टर्ब करते हुए देखिए फर्नीचर को गेंद डिस्टर्ब करती भी विकेटो के स्टंप पर गेंद टकराती भी बोल्ड होते हुए वहां पर मनोहर केने, रोशन हम कह सकते हैं कि बड़ी मछली जाल में अब फंस चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, मनोहर जैसे बल्लेबाज को आउट करना बहुत बड़ी सफलता गेंदबाज मंथन को मिली है। पूरी तरीके से बांध कर रखा है बल्लेबाजों को। दो ओवर की समाप्ति के बाद महज 9 रन बने हैं जबकि एक विकेट आउट होकर पैवेलियन लौट चुका है मनोहर के रूप में। तीसरे ओवर के लिए स्कोर हुआ है इस वक्त 9 रन। तीसरी ओवर के लिए कुमार राइट आर्म राउंड द विकेट से, मुरलीधर पाटिल स्ट्राइक वाली छोर पर पहली गेंद कुमार की। ओहो लेग स्टंप छोड़कर जाती हुई गेंद, वहां पर खतरा हो सकता है देखना है। और बल्लेबाज आउट, ये क्या कर दिया है, भावे जोशी को लौटना होगा पवेलियन। वाइट गेंद थी और उस पर रिक्स लिया था मुरलीधर पाटिल ने, रिक्स लिया मुरलीधर पाटिल ने और पैवेलियन लौटना होगा भावेश जोशी को। बहुत ही बड़ा विकेट। देखिए भावेश जोशी वो खिलाड़ी थे जो मैच को आगे ले जा सकते थे लेकिन अब वो डगआउट में जा चुके जहां पर रन बने 10 और विकेट गिरी इस वक्त 2। बड़ी विकेट और एक गिरती हुई, प्राइसलेस विकेट गिरती हुई और नंबर 3 में भावेश जोशी के रूप में नए बैट्समैन बायत के उमेश जोशी आते हुए। बिल्कुल खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 ना। बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, हालांकि वाइड गेंद थी, एक अतिरिक्त रन मिला था लेकिन विकेट कीपर सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाए थे और उसका फायदा उठाना चाहते थे बल्लेबाज मुरलीधर पाटिल, मगर अच्छा वहां पर हिट किया था अपने फॉलो थ्रू में कुमार केने ने। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज उमेश जोशी आए हैं स्ट्राइक वाली छोर पर, पटकी हुई गेंद, ओहो एक बार फिर से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए विकेट कीपर, एक रन ऐड होगा स्कोर बोर्ड में। स्कोर हुआ इस वक्त 11 रन। देखिए रनों के लिए काफी इस वक्त स्ट्रगल करती हुई, संघर्ष करती हुई, एक एक रन के लिए तरसते भी अब प्रताप स्पोर्ट्स, अधूरे मन से शॉट्स के लाओ स्टंप के बाहर, व्हाइट का इशारा था वह 1+1, 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 13 के योग पर। विकेट कीपरिंग काफी खराब हो रही है रोशन, जिस तरह से गेंदे विकेट कीपर के हाथों से छूट रही है। बिल्कुल, और ये एक एक रन हालांकि अभी लाइटली ले रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं ये रिस्की साबित हो सकते हैं और देखना है, गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। धन्यवाद।
धन्यवाद डीजे। अपने बाजुओं को खोला था, वहां पर पटकी हुई गेंद थी, उसे भेज दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी बीच अगली गेंद कुमार की, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, मिड विकेट की दिशा पर खेल दिया है, 1 रन पूरा। दूसरे का प्रयास किया था मगर रोका वहां पर मुरलीधर को, 1 ही रन पर संतुष्ट दोनों भी बल्लेबाज। स्कोर हुआ है इस वक्त 20 रन, जबकि तीसरे ओवर का खेल जारी। अभी भी जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत। कंट्रोल पुल शॉट टॉपर डीप स्कोर लेग पर पहले बाउंस पर सत्यम ने उठाया था 1 रन के लिए। देखिए स्कोर अगर 20 हुआ है तो अभी भी जीतने के लिए 33 रन चाहिए। 15 गेंदों पर सामना करते हुए बैट्समैन मुरली, अब राउंड विकेट जा रहे उनके लिए कुमार केने। ओहो क्या शॉट खेला है, गेंद पहले बाउंस पर जाती भी डीप कवर पॉइंट के बाहर 4 रन के लिए। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और कवर अंदर था, डीप में कोई भी खिलाड़ी नहीं था और उसका लाभ उठाते हुए बैट्समैन मुरली। अब राउंड विकेट जाते हुए फिर से उसी दिशा में खेला, गेंद के आने का इंतजार किया और आउट हो गए वहां पर मुरली। तीसरा विकेट गिरता हुआ मुरली के रूप में, बहुत अच्छा शॉट खेला था लेकिन जो जाल बिछाया था बीच में पटक दिया था, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा था, पंच किया था, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद चली गई थी डीप कवर के तरफ और खिलाड़ी ऊपर मौजूद थे सत्यम दलवी और उन्होंने कैच को हासिल किया। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ मुरली के रूप में, रुका हुआ स्कोर 24। सवाल पूछा और सुरेंद्र दलवी भी इस वक्त डगआउट में लुटे हुए 0 के चश्मा पहनकर, और एक विकेट गिरती भी। ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 34 रन, अभी भी जीत के लिए, सॉरी 24 रन, अभी भी जीत के लिए बची हुई 12 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता। आप 2 ओवर और 29 रनों की जरूरत, डू और डाई की स्थितियां निर्माण होती है भी प्रताप स्पोर्ट्स के लिए। और उनके जो रोशन जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है वो इस पर डगआउट में जा चुके, जिसमें मनोहर, मुरली पाटिल, भावेश जोशी, सुरेन, अब उम्मीद की आखिरी किरण और आखिरी इस वक्त जोड़ी इस वक्त क्रीज पर है साहिल और उमेश, इनके ऊपर अब बहुत कुछ डिपेंड करता है इस मैच का इक्वेशन। बिल्कुल पूरा दारोमदार अब इस जोड़ी पर है, उमेश और साहिल, काबिलियत है इन दोनों बल्लेबाजों में, देखना है क्या कुछ होता है। और इसी को देखते हुए मंथन को कंटिन्यू किया है ओवर नंबर 4 में, और दी विकेट, पहली गेंद, देखना क्या कुछ हुआ है, व्हाइट का इशारा था वहा, यस शायद गेंद विकेट विकेट कीपर के हाथ से भी छूट गई थी, यस 22 का इशारा था वहा, गेंद डिक्लेयर जोन में पीछे चली गई थी 1 रन के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25। मंथन काफी तेज गेंदबाजी कर रहे, लंबा रनअप है, हालांकि भावेश जोशी का भी बहुत लंबा रनअप था, मंथन भी सर्कल के बाहर से इस वक्त भागते हुए, छोड़ दिया, जाने दिया, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। देखिए आप लिमिटेड स्कोर में क्रिकेट खेल रहे हैं,
आप गेंदों को नहीं छोड़ सकते। मंथन की गेंदबाजी वाक्य में कातिलाना गेंदबाजी होती है भी। और देविकेट उमेश जोशी के लिए, गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग पर, खिलाड़ी मौजूद लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे सरकता हुआ बढ़ता हुआ 26। जीतने के लिए अभी भी 27 रनों की जरूरत। 9 गेंदे 27 रन। मैच अब कहीं ना कहीं हाथ से निकलता हुआ प्रताप स्पोर्ट्स के, लेकिन अभी भी 9 गेंदों का खेल बचा है। विकटे 4 गिरी और चारों भी अच्छे बैट्समैन इस वक्त डगआउट में जा चुके। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करते हुए लेग साइड की दिशा में एक और फील्डर को ऐड कर दिया है। लॉन्ग ऑफ को अंदर बुलाया जा रहा है, मिड ऑन पर रखा जा रहा है। मंथन एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, दूर वाली छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट से। बल्लेबाज साहिल के लिए, साहिल एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, कई मरतबा हमने देखा है लंबे लंबे सिक्सर लगाते हैं साहिल दलवी। इसी बीच मंथन की अगेन राइट आर्म ओवर द विकेट से। ओहो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, संपर्क नहीं बना पाए वहां पर बल्लेबाज। गेंद और बल्ले से कोई संपर्क नहीं, नतीजा डॉट गेंद। देखिए युवा गेंदबाज है लेकिन उनकी गेंदबाजी में जो पेस है, जो ताकत है, जो धार है, वाकई में तारीफ करनी होगी रोशन। बिल्कुल सही कहा आपने, युवा गेंदबाज है मगर प्रेशर वाली गेम में अच्छी गेंदबाजी करते हुए। ओवर द विकेट जाते हुए साहिल के लिए सवाल पूछा वापर, अपील तो जोरदार हुई है, देखना है। एक अच्छी गेंद समाप्त होती हुई। देखिए कभी कभी ग्रिप का आवाज भी आ जाता है जिस तरह से बल्ला चलाते हैं बैट्समैन तेज, और टोकन अपील की थी ऊपर विकेट कीपर ने, रुका हुआ स्कोर 26। 27 रनों की अभी भी 7 गेंदों पर है जरूरत, 27 रन, गेंदे बची केवल 7। वाकई में कमाल की गेंदबाजी हो रही है 1-11 की। ऑफ स्टंप के बाहर वाइट एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27, और आप जीतने के लिए चाहिए 26। इस ओवर में कुल मिलाकर अगर रन देखे जाए तो केवल 3 रन खर्च किए मंथन ने, जबकि उन्होंने ओवर नंबर 2 किया था जिसमें 1 विकेट और 4 रन खर्च किए थे। मतलब पूरी तरह से कमर तोड़ दी है मंथन ने प्रताप स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों की। सवाल पूछा और आउट, बिल्कुल विकेटों के सामने पकड़े गए प्लम एलबीडब्ल्यू होते हुए साहिल दलवी। क्या गेंदबाजी हुई है मंथन द्वारा, बिल्कुल सभी खिलाड़ी उसका हौसला बढ़ाते हुए। अब बची हुई 6 गेंदों में जीतने के लिए 26 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज विशाल आए हैं मैदान पर साहिल की जगह लेने। 6 गेंदे और जीतने के लिए 26 रनों की आवश्यकता। आखिरी ओवर के लिए मोर्चे पे इस वक्त लगाया जा रहा है सागर बार्शी को। सागर एक अच्छे ऑलराउंडर 1-11 से खेल रहे हैं इस आईपीएल में, एपीएल में सॉरी। बायात के बल्लेबाज उमेश स्ट्राइक वाली छोर पर, बॉलिंग मार्ग पर तैयार सागर बार्शी। राइट आर्म राउंड द विकेट से पहली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद खोद के निकाला है फील्डर, थोड़ी सी मिसफील्ड, देखना है 1 रन पूरा, दूसरे का प्रयास खतरा हो सकता है। अच्छा थ्रो मगर अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में,
दो रन चुराए बल्लेबाजों ने, स्कोर जा पहुंचा है 29 रनों पर। अभी भी 5 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता। अब बची भी 5 गेंदें और 24 रन चाहिए, 4 सिक्सर की जरूरत है यहाँ से प्रताप स्पोर्ट्स को मैच को जीतने के लिए। सागर राउंड विकेट हवा में चिप कर दिया, मिड ऑफ के ऊपर से खेला है, पहले बाउंस पर गेंद को उठाया, दूसरे की कोशिश हो रही है, दो रन पूरे करते हैं इस बीच। इन दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31, अब जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत बची हुई 4 गेंदों पर, 3 सिक्सर एक बाउंड्री या फिर 4 सिक्सर की जरूरत। छोड़ दिया, जाने दिया वाइड, अब गेंदे बची है 4 और रन चाहिए 20। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बड़े शॉट्स मैच में वापसी कर सकती है प्रताप स्पोर्ट्स, लेकिन वो बड़े शॉट्स अब रोशन चोरगे उमेश जोशी को खेलने पड़ेंगे। बिल्कुल, उमेश के अंदर वो काबिलियत है आदित्य कि गेंदों को सीमा बाहर भेज सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं बल्ला उनका सुबह से ही खामोश रहा है। इसका यही कारण है कि गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही, लाइन ऑफ अटैक और बिल्कुल बैट्समैन को पढ़कर गेंदबाजी करते हुए सभी भी गेंदबाज। ये देखिए विठू माउली टीम अगले मैच के लिए बिल्कुल तैयार, दूसरा सेमीफाइनल, पटकी हुई गेंद और वन बाउंस का इशारा वहां पर अंपायर का आता हुआ। यस, एक बाउंसर आप कर चुके इस वक्त बताते हुए मुख्य अंपायर। कहीं ना कहीं स्कोर अब रुका हुआ है, अच्छी गेंदबाजी कहीं नहीं होंगी सागर की, लगातार अपने गेंदों में बदलाव करते हुए एक बार फिर से राइटम राउंड द विकेट से, इस मरतबा लेग स्टंप छोड़कर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड गेंद, अतिरिक्त रन लगातार जा रहे हैं इस ओवर में, स्कोर हुआ है इस वक्त 34 रन, अभी भी जीत के लिए 19 रनों की आवश्यकता है बची हुई 3 गेंदों में। अगर इस मैच में बने रहना है तो तीनों गेंदों को भेजना होगा सीमा पार, वो भी हवाई सफर से। इसी बीच अगली गेंद कारपेट के सहारे खेल दिया है लेग साइड की दिशा में, अच्छी फील्डिंग, देवीदास चोरगे वहां पर मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब हम कह सकते हैं कि रोशन औपचारिकता शेष, फॉर्मेलिटीज बाकी है और लगभग 1-11 सुपर से ऊपर लीग हमने प्रीमियर लीग के फिनाले में प्रवेश करने की तैयारी में। बिल्कुल, औपचारिकता बची है 2 गेंदों की, उसको पूरी करते हुए गेंदबाज सागर बारशी सामना करेंगे बल्लेबाज विशाल। अच्छी गेंद हवा में है, देखना है फील्डर गेंद के नीचे, जोशी सर, ओहो, लेकिन कैच हुआ है, ड्रॉप, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। आखिरी गेंद, देखना है क्या कुछ होता है आखिरी गेंद पर, एक बार फिर से हवाई सफर से खेल दिया है, फील्डर मौजूद नहीं है और इसी के साथ 1-11 टीम ने इंटर कर लिया है ग्रैंड फिनाले में। यस, अनेक अनेक अभिनंदन यशवंत चोरगे, रोशन चोरगे, संतोष जोशी सर और 1-11, हार्ड लक टफ लक प्रताप स्पोर्ट्स एंड सुरेंद्र दलवी एंड चंद्रकांत बारशी, सुपर से ऊपर लीग आमने प्रीमियर लीग के मेगा फिनाले में प्रवेश करती हुई यशवंत चोरगे फैम टीम 1-11, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है इस मैन ऑफ द मैच के लिए, 2 दावेदार थे लेकिन